यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, आज की गेम प्ले वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं स्टंबल गाय। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट गेम प्ले वीडियो में देखा होगा कि गाइस लास्ट गेम प्ले वीडियो में ना हम लोगों ने यार इस गेम में इतनी ज्यादा अलग अलग मतलब ट्रैक्स पे रेस करी थी कि भाई लिटरली इतने ज्यादा खतरनाक ट्रैक्स थे, सुपर स्लाइड थी और पता नहीं स्पेस रेस, पता नहीं कितनी अजीब अजीब सी रेसें थी। पर यार हम लोगों ने काफी सारी रेसेस को जीत भी लिया था, पर यार फाइनल वाली हम लोग नहीं जीत पाए थे क्योंकि उसमें ना एक बंदा सिलेक्ट होना था और यार वो तो हम लोगों से इतना ज्यादा आगे था कि कुछ पूछो नहीं। तो गाइस, मेरे को ना एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि भाई आपने ये गेम खेला तो है, इसमें एक चैलेंज करो। तो मैंने उससे मतलब पूछा कि क्या चैलेंज करना है, तो उसने मेरे को बोला कि आप ना दो गेम खेलो और अगर आप दोनों गेम में से किसी में भी एक बार भी नीचे गिर जाते हो तो गाइस आपको ना उसी समय मेरे को क्या कहते हैं ये गेम को बंद करना होगा। तो मैंने कहा चलो चैलेंज एक्सेप्टेड है, जल्दी से अपना गेम स्टार्ट करते हैं और भाई देखते हैं कौन सी हम लोगों को लेवल मिलने वाली है। मेरे को लग रहा है थोड़ी इजी लेवल मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि गाइस अगर मैं एक भी बार नीचे गिरा ना तो गेम उसी समय बंद हो जाएगा। तो देख भाई, मैंने ईजी मांगी थी, इतनी ज़्यादा टफ नहीं, ये तो फ्लोर फ्लिप है। मतलब अगर गलती से भी मैं थोड़ा राइट लेफ्ट हुआ ना, पक्का सीधा नीचे जाने वाला हूँ, वो तो आगे देख के पता चलेगा। तो जल्दी से आराम से जंप करते करते आगे चलते। तो गाइस यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ भाई, आराम से भाई ऑलमोस्ट नीचे जाते जाते बचा हूँ। मतलब कि अगर मैं जंप ना करता ना सीधा नीचे जाता। तो गाइस आराम से जल्दी से भाग के आगे चलते हैं। और यार सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये रोटेटिंग ब्लॉक्स, तो आराम से चलते भाई। मतलब मेरे को लगा कहीं मैं गिर ना जाऊँ, बचा ऑलमोस्ट बचा था नीचे जाते जाते, और ये इतने बड़े जाइंट हैमर से भी बच गया हूँ। तो गाइस जल्दी से आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं भागता भागता आराम से आगे तो आ चुका हूँ, बस ये लास्ट वाला जो फ्लोर है ना ये क्रॉस हो जाए। तो गाइस यहाँ पे मैं तो फंस गया दोनों साइड से भाई, कहाँ से निकलूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भगवान क्या जुल्म है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं फंस चुके हैं दोनों साइड से। मतलब मैं जिस साइड से भी जाता हूँ देख लो, मतलब मैं चढ़ ही नहीं पा रहा, वो बंदा भाग गया यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे जैसे तैसे करके तो मैं चढ़ चुका हूँ, यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, तीसरा मैं क्वालिफाइड हो चुका हूँ। काफी ज्यादा इजी तरीके से हम लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं। पर यार ये जो लास्ट वाला जो फ्लोर था ना ये काफी ज्यादा खतरनाक था, ऐसे ही मैं भी फंसा था जैसे ये स्टंबल गाय फंसा हुआ था ना, ऐसे मैं भी वहाँ पे पीछे फंसा पड़ा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अभी तो 6 ही बंदे क्वालिफाइड हुए, देखते हैं और कौन कौन। भाई ये भी यही सब मतलब जितने भी बंदे अटके ना सारे यहीं पे आके अटके, बाकी जगह से तो आराम से ये सब निकल आए होंगे, पर यार यहीं पे आके ये सब अटक गए। तो गाइस मेरे को लग रहा है अब मतलब 16 बंदे कंप्लीट होने वाले। तो गाइस यहाँ पे 16 बंदे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये राउंड भी जो है वो ओवर हो चुका है। देखते हैं हम लोग सेफ है कि नहीं, हम लोग वैसे भी सेफ होंगे क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सेफ हैं, अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट राउंड देखते हैं कौन सा होने वाला है, थोड़ा ईजी हो तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो देखते हैं कौन सा राउंड होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे ये काफ़ी देर से स्पिन हो रहा है पर यार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कौन सी लेवल। तो गाइस यहाँ पे ये सुपर स्लाइड पे आके रुका है, मतलब कि थोड़ा और इजी दे देता क्योंकि लास्ट टाइम ना इस ट्रैक पे मैं कई बार नीचे गिरा हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं लग रही कि मैं इसको क्रॉस कर पाऊंगा। तो थोड़ा आराम से भाई देखो, मतलब स्टार्टिंग होते ही मैं नीचे जाने वाला था पर आराम से मैं बच गया। तो गाइस जल्दी से ऊपर चलते हैं जंप करके। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं स्लाइड पे और थोड़ा आराम से हम लोगों को स्लाइड करनी है क्योंकि पता चला मैं स्लाइड करते करते सीधा नीचे पहुंच जाऊं, तो इसलिए थोड़ा आराम से स्लाइड करते हैं। और यहाँ पे जंप करके मैं एक बैरिकेड को क्रॉस कर चुका हूँ, जल्दी से दूसरे को भी क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे पीछे दो बंदे फंस गए उसमें, तो मैं आराम से क्रॉस करके आ गया आगे। और भाई ऑलमोस्ट नीचे जाते जाते बचा था, मतलब देख रहे थे एकदम एज पे था मैं, अगर थोड़ा सा राइट लेफ्ट होता ना पक्का मैं सीधा नीचे जाता। तो गाइस यहाँ पे जंप करते करते भाई साहब सीधा मुंह दीवार में बैठ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से भाई आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं और मेरा मतलब मेरे बगल में जो चल रहा था वो भी साथ में बैठे हैं, तो जल्दी से आप आगे चलते हैं। और यहाँ पे अभी तो 60 बंदे और यहाँ पे हम लोग भी क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो गाइस मतलब ऑन लास्ट बंदा बचा था, अगर मैं टाइम पे ना पहुंचता ना मैं क्वालिफाई नहीं होने वाला था। अच्छा वो हम लोग टाइम पे पहुंच गए और क्वालिफाइड हो गए। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे। तो देखते हैं कौन सा राउंड हम लोगों को इस बार खेलने को मिलने वाला है, थोड़ा इजी से मिले तो काफ़ी ज़्यादा। मैं इजी इजी बोल रहा हूँ भाई, ये टफ पे टफ देता है चला जा रहा है, मतलब देख रहे हो कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज है। गलती से भी अगर ये गोला मेरे मुँह पे पड़ा ना भाई, मैं सीधा नीचे जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे साइड में कोई बैरिकेड वगैरह भी नहीं लगे। तो आराम से भाई चलते हैं। भाई क्या है इतनी स्पीड में रोलर दो टिकट हो सब, भाई मेरे को लगा मैं अभी नीचे गया,
तो आराम से इन ब्लॉक से जंप करते करते मैं आगे आ चुका हूँ। यहाँ पे इतने बड़े बड़े रोलर्स है ना, इतनी स्पीड में चल रहे हैं कि भाई निकलने का टाइम ही नहीं दे, देख लो मतलब कि मैं खड़ा होता हूँ सीधा मुंह पे पड़ता हूँ मैं साइड में, बच गया भाई, ऑलमोस्ट बचा था नीचे जाते जाते, चला अच्छा हुआ नीचे नहीं गिरा। तो गाइस यहाँ पे मेरे को लगा वो बंदा पहुँच गया, तो गाइस यहाँ पे एक बंदा ऊपर पहुँच चुका है और वही जीतेगा क्योंकि भाई वो ऊपर पहुँच गया आराम से, वो खाली वेट कर रहा है हम लोगों का, तो देखते हैं हम लोग अगर ऊपर पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। तो गाइस यहाँ पे एकदम लास्ट में क्या कहते रह गया बंदा, मैं पहुँच जाता आराम से। तो गाइस मेरे को लगा ये बंदा पहुँच गया क्या, तो हो सकता है ये बंदा पहुँच गया। तो गाइस यहाँ पे ऊपर दो बंदे पहुँच चुके हैं और एक तो ये भी पहुँच गया, तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट दो से तीन बंदे ऊपर पहुँच चुके हैं, गजब बेइज्जती है। तो गाइस यहाँ पे ये राउंड जो है वो ओवर हो चुका है, अब चलते हैं सीधा। तो गाइस ये रहा वो विनर और जल्दी से चलते हैं सीधा बाहर। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बाहर और पहला मतलब गेम तो मैंने कंप्लीट कर दिया है बिना नीचे गिरे हुए, अब मेरे को दूसरा और गेम कंप्लीट करना है बिना नीचे गिरे, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने गेम को। तो गाइस यहाँ पे हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारी राउंड्स भी स्पिन होना स्टार्ट हो चुकी हैं, देखते हैं कौन सा मतलब लेवल मिलने वाला है हम लोगों को, तो थोड़ा सा देखते हैं। भाई मेरे को लग ही रहा था ये आज ना मेरे को इजी लेवल तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, मतलब टफ पे टफ लेवल दे रहे हैं। मतलब ये जो ट्रैक है ना ये ऐसा ट्रैक है कि भाई आप जितना स्पीड भागोगे आपकी स्पीड ना उतनी स्लो होती चली जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मड एरिया है और मड में आप जितना स्पीड भागोगे या जंप करोगे तो उतना ही नीचे घुसते चले जाओगे, वही हाल है यहाँ पे भी। तो गाइस जल्दी से अब हम लोगों को भागना है रोलर्स पे, तो जल्दी से सीधा भागते हैं। भाई इतने सारे बंदे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे होल है कहाँ पे क्या है, बस सब भागते चले आ रहे हैं स्पीड में, एक आध नीचे गिर रहे हैं और बाकी सब फुल ऑन स्पीड में भाग रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग भी पीछे पीछे इनके भागते हैं स्पीड में और यहाँ पे आराम से इसको जंप करके क्रॉस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं आगे आ चुके हैं, भाई मैं यहाँ पे खड़ा क्यों, जल्दी से सीधा आगे चलते क्योंकि इतने सारे बंदे आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पे मैं सोचा जंप करके सीधा रॉक पे घिसूंगा, उससे पहले ही गिर गया, तो जल्दी से सीधा आगे चलते हैं भाग के। भाई देख रहे हो मतलब कितनी स्पीड में भाग रहा हूँ, तो भी मेरी स्पीड एकदम जीरो के जैसी चल रही है। तो यहाँ पे जंप करके मैं जो है वो दूसरी साइड आ चुका हूँ, जल्दी से जंप कर मजा आया। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने करेक्ट टाइम पे जंप मारी और हम लोग क्वालिफाइड भी हो चुके हैं और ये राउंड जो है वो ओवर हो चुका है और हम लोग सेफ है ना, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है सेफ होके। तो गाइस यहाँ पे मतलब मैं सोच रहा था कि मैं कैसे क्वालिफाइड हूँगा क्योंकि मेरे साथ ना चार बंदे भाग रहे थे, अगर वो चार एक साथ घुस जाते ना मैं पक्का क्वालिफाइड नहीं हो पाता। तो पर एकदम करेक्ट टाइम पे मैंने जंप मार दी और मैं सीधा क्या कहते क्वालिफाइड हो चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पे फिर वही रॉकेट लॉन्चर वाली लेवल, मतलब कि ये लेवल सबसे ज़्यादा खतरनाक है अगर आप ऐसे चैलेंजेस कर रहे हो तो, क्योंकि गाइस इसमें ना आपके मुँह पर रॉकेट पड़ा आप सीधा जंप करके पानी में, यही हाल भाई मेरा कई बार पिछले मतलब पिछली गेम वीडियो में हुआ है। तो गाइस आराम से खेलते हैं, तो गाइस यहाँ पे हमने अपना येलो फ्लैग लगा दिया है, आप जल्दी से भाग के आगे चलते हैं और यहाँ पे जितने भी मतलब जगह पे फ्लैग अभी नहीं लगा ना वहाँ पे चल के फ्लैग लगाते हैं अपने। तो गाइस यहाँ पे भाग के मैं एक साइड पर आ गया हूँ, यहाँ पे एक ब्लू कलर का बंदे ने अपना फ्लैग लगा लिया था, भाई ऑलमोस्ट बचा, मतलब कि मेरे को लग रहा था मैं अभी नीचे जाने वाला हूँ कन्फर्म और ये चैलेंज खत्म होने वाला, पर ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी अच्छा लक है यार आज, मतलब कि देखो जंप करके सीधा वापस आ गया मैं। तो गाइस यहाँ पे पहले तो येलो फ्लैग लगा थे, फिर हटते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे येलो फ्लैग लगा दिया, यहाँ पे ये मतलब हाथ तो हुआ आ रहा था सीधा इसके मुँह पे रॉकेट मारा, ये वापस पीछे चला गया। तो गाइस यहाँ पे इसने मेरे मुँह पे रॉकेट मारा काफ़ी ज़्यादा तेजी से, पर यार मैं तो जैसे तैसे करके बच गया। भाई क्या कर रहा है भाई, मतलब इसने मेरा फ्लैग तो हटा दिया, मेरे को भी इसका फ्लैग हटाना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा पीछे जाते भाई ये उधर ही रोटेट कर रहा है, मैं मार भी नहीं पा रहा हूँ इसको, थोड़ा सा वेट करते हैं इसको अपने एम में आने से फिर मारते। भाई अपनी टीम वाले काफी ज्यादा सही खेल रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट नीचे जाते जाते बचा, एकदम एज पे था मैं, अगर गलती नीचे चला जाता ना भाई लिटरली चैलेंज का पूरा सवाड़ा हो जाता, बच गया मैं नीचे जाते जाते। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, स्कोर इस समय 5-7 का चल रहा है, वो लोग 7 पे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप चल रहा है हम लोगों के स्कोर में, तो हम लोगों को कुछ भी करके स्कोर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे ये बंदा चला गया और यहाँ पे स्केलेटन भाई ने जंप मार के अपना फ्लैग लगा दिया, तो यहाँ पे स्कोर तो इक्वल का चल रहा है। भाई भाग रहे वहाँ से, मतलब ये बंदे कुछ भी कर रहे हैं और यहाँ पे 4 सेकेंड का टाइम बचा है, भाई एक फ्लैग और लगा दो कहीं पे भी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं, लिटरली मेरे को कोई भी अंदाजा नहीं था कि हम लोग क्वालिफाइड होंगे, तो पर हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो गाइस
अब देखते हैं कौन सी हम लोगों को रेस मिलने वाली है। भाई थोड़ी इजी सी दे दो यार, मैं इतनी देर से इजी इजी चिल्ला रहा हूँ, पर यार ये लोग टफ पे टफ दिए यार। वापस से सुपर स्लाइड दे दी इन लोगों ने, तो देखते हैं सुपर स्लाइड कैसी होने वाली। और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा तेज भागना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना एक ही बंदा क्वालिफाइड होने वाला है, तो आराम से चलते फिर बचा मैं। तो गाइस यहाँ पे दोबारा से मैं नीचे जाते जाते बचा हूँ, तो गाइस जल्दी से जंप मार के आगे चलते हैं। भाई ये स्केलेटन बंदा क्या स्पीड में भाग रहा, मतलब देख लो इतनी ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है कि कुछ भी पूछो नहीं। भाई फिर बचा हूँ नीचे जाते जाते, तो गाइस यहाँ पे जंप मार दी आराम से, यहाँ पे भी जंप मारते हैं आराम से और चलते सीधा आगे। और यहाँ पे इतना बड़ा हैमर सा लगा दिया बीच में, भाई ऑलमोस्ट बंदे उससे आराम से बच के निकल जाते हैं, पर यार कुछ होते हैं ना एकदम स्पीड में आए सीधा टकराए बाहर, मतलब कि बाहर मेरे कहने का मतलब सीधा नीचे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, तो भाई वो बंदा नजर ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया, मेरे को लग रहा है वो जीतने वाला है ऑलमोस्ट। तो गाइस यहाँ पे मेरे को लग ही रहा था वो जीतने वाला है, और वो जीत भी चुका है पूरी पूरी रेस को। तो यही वो स्केलेटन बंदा है जिसकी बात मैं कर रहा था। तो गाइस ये बंदा है वो जीत चुका है पूरे के पूरे देश को, और वैसे भी मैंने चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस यही थी गेम प्ले वीडियो, अगर आप लोगों को ये वाली चैलेंज वाली गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी तो यार जल्दी जाओ कमेंट में जाके जरूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में।